सब्सक्राइब करें टेक्निकल दृष्टिकोण को और साथ में बेल आइकन दबाएं सबसे पहले टेक्नोलॉजी वीडियो पाने के लिए बिल्कुल मुफ्त। तो स्वागत है गाइज आप सभी का मेरे चैनल टेक्निकल दृष्टिकोण में। तो गाइज मैं कल एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैं आप लोग को बताया था कि अगर आप लोग बिगनर लेवल का सिंगर हैं, आप लोगों को मोबाइल फ़ोन से दुर्गा पूजा का इस तरह से बैनर बनाने नहीं आता है, तो मैं बताए थे कि आप लोग कैसे अपने मोबाइल फ़ोन से इस तरह का दुर्गा पूजा का बैनर अपने गाने का बना सकते हैं। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो में आप लोगों को दे दूंगा, तो आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि इस तरह का कैसे अपने मोबाइल फ़ोन से अपने गाने का थंबनेल बनाते हैं। आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग इसी थंबनेल से कैसे बैकग्राउंड में चलने वाला वो भी अपने गाने के साथ पोस्टर तैयार कर सकते हैं। मैं आज की इस वीडियो में आप लोग को स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाला हूँ, तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का नॉलेज वीडियो लेकर आता रहता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज मैं यहाँ पे जो बैकग्राउंड में चलने वाला पोस्टर बनाया हूँ, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप लोगों को मैं बताऊँगा कि आप लोग इस तरह से कैसे वो आप लोग जो पहले मैं बताया था कि आप लोग इस तरह से तैयार करके कैसे आप लोग बैकग्राउंड में चलने वाला डिजाइन लगा सकते हैं, मैं बताऊँगा एक एक करके। तो आप लोग वीडियो में ज़रूर इन तक बने रहना और वीडियो को फटाफट लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पे सब आप लोगों को डिटेल से दिखाऊंगा और इस तरह से आप लोगों को बैनर भी लगा कर दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग बैकग्राउंड में इस तरह से लगा सकते हैं। आप लोग बहुत सारे बड़े बड़े सिंगरों के आप लोग गाने में देखते होंगे कि उनके जो गाने में होता है इस तरह से बैकग्राउंड में चलने वाला पोस्टर बना हुआ होता है, और वो देखने में पोस्टर बहुत अट्रैक्टिव पोस्टर होता है और वो महंगा भी पोस्टर होता है। अगर आप लोग उस तरह का पोस्टर बनवाएंगे तो आपको कम से कम 100 से 200 के ऊपर आप लोगों का लगेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं बताऊंगा आप लोगों को 100-200 रुपये नहीं लगाना है, आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से इस तरह का बना सकते हैं पोस्टर, वो भी बड़े सिंगर लेवल की तरह। तो चलिए कैसे इसको बनाना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले गाइज आप लोगों को बनाने के लिए इस तरह का एक फुटेज वीडियो की ज़रूरत होगा, तो चलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आप लोगों को ये सब कैसे मिलेगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारे कुछ यहाँ पे इस तरह से बैकग्राउंड है और इसको बोलते हैं फुटेज। इस सब आप लोगों को मैं फुटेज पर एक एक करके दिखाता हूँ और कैसे इसको आप लोग को सेट करना है मैं सब बताऊँगा। तो आप लोग पहले इस फुटेज को आप लोग देख लीजिए, जो इस तरह से आप लोग डिजाइन नहीं कर सकते हैं मैं इसके बारे में भी बताऊँगा अगले वीडियो में। कभी भी मैं आप लोग को बताऊँगा कि आप लोग कैसे इस तरह से बैकग्राउंड तैयार कर सकते हैं, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा लेना। देख सकते हैं गाइस इस तरह से आप लोग भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप लोग को टाइम देना होगा। मैं कभी भी इसका वीडियो बनाऊंगा कि आप लोग कैसे अपने बैकग्राउंड में अपने मोबाइल फ़ोन से इस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो गाइस अगर ये सब आप लोगों को चाहिए तो मैं लिंक इसका सब चारों बैकग्राउंड का दे दूँगा और आप लोग इस बैकग्राउंड से आप लोग अपनी दुर्गा पूजा का जो बैकग्राउंड में चलने वाला पोस्टर होता है वो बना सकते हैं अपने गाने के साथ। तो चलिए मैं इसको सबसे पहले आप लोगों को सुनाता हूँ जो इसमें मैं एक लगाया हूँ जो वो। तो चलिए यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आई होप आप लोग जरूर सुन लिए होंगे। और उसके बाद गाइस सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, चलिए मैं एक एक करके बताता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले जो इस तरह का तैयार किए होंगे पोस्टर, उसको आप लोग को लेना होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को जो कल बताए थे इस तरह का बैनर बनाने के लिए, ये जो बैकग्राउंड था इस तरह से था, तो चलिए मैं इसको करता हूँ यहाँ से बैक। और बैक करने के बाद मैं यहाँ से आता हूँ पिक्सल लाइन में। तो गाइस यहाँ पे पिक्सल ऐप का इस तरह से आइकन है और यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट में जाने के बाद ऊपर में देख सकते हैं मेरा इस तरह से मैं बताया था कि आप लोग कैसे बना सकते हैं, और इसी को मैं आप लोग को बताऊँगा बैकग्राउंड को हटाकर। तो बैकग्राउंड हटाने के लिए आप लोग को यहाँ पे चौथे स्थान पर क्लिक कर देना है, जो यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को चौथे स्थान पर आना है, गिनकर 1, 2, 3, 4 और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ट्रांसपेरेंट लिखा हुआ होगा, इस पर क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे जो बैकग्राउंड था वो हट चुका है, और इसको आप लोग को क्या करना है, सेव कर लेना है। सेव करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर देना है आप लोगों को, यहाँ पे जो डीबी दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपको सेव एस इमेज पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को इसको क्या करना है ना, यहाँ पे जो डायमेंशन लिखा हुआ है इस पर डिफॉल्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को इसको अल्ट्रा कर देना है, नहीं तो आप लोग हाई भी कर सकते हैं, लेकिन अल्ट्रा आप लोगों को करके रखना है और सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आप लोग को एक और एप्लीकेशन की ज़रूरत होगा जिसका नाम है काइन मास्टर। तो चलिए मैं आता हूँ काइन मास्टर में। तो गाइज मैं यहाँ पे काइन मास्टर में आ चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को इस तरह से कुछ आइकन दिखेगा काइन मास्टर का, इस पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे जो देख सकते हैं प्रोजेक्ट में बनाया हूँ, सबसे पहले आप लोगों को एडिट पर क्लिक करके और यहाँ पे चलाकर दिखाता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे मैं सब इसको एडजस्ट किया हूँ। चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को शुरू से बताता हूँ। आप लोग जैसे इसको ओपन करेंगे तो आप लोग को यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखेगा, तो जो आप लोग को इंफिनिटी का प्रोजेक्ट दिख रहा है प्लस का आइकन, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे 16:9 पर क्लिक करना है। 16:9 पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे बैकग्राउंड को सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे वीडियो पर आता हूँ। वीडियो पर आने के बाद यहाँ पे मेरे साथ बहुत सारे बैकग्राउंड है, तो मैं इसको लेता हूँ एक एक करके। तो कहिए मैं यहाँ से शुरू से स्टार्ट करता हूँ और यहाँ से बैकग्राउंड को सेलेक्ट करूँगा। मैं इस सबका बैकग्राउंड आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, तो आप लोग जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। तो गाइस मैं यहाँ पे चार पांच फुटेज ले लिया हूँ और यहाँ पे इसका लेंथ बहुत हाई दिख रहा है, तो इसको कर देना है आप लोगों को थोड़ा कम। और इसके बाद आप लोगों को इसको इस पर सेलेक्ट करना है जो बैकग्राउंड दिख रहा है, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो आप लोगों को लंबा लेंथ दिख रहा है ना, इसको आप लोगों को कम कर देना है। और यहाँ पे इतना सारे आप लोगों को नहीं, चार पांच बैकग्राउंड नहीं लगाना है, सिर्फ एक बैकग्राउंड लगाना है, जैसे कि ये बैकग्राउंड रहा इसको। इतना हो जाने के बाद सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे जो प्लस का आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद इसको आप लोगों को दे देना है इफेक्ट। तो फन ट्रांजिशन इफेक्ट जो लिखा है इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे जूम का इफेक्ट दूंगा। जो क्लासिक में आएंगे तो जूम का यहाँ पे कुछ इफेक्ट मिलता है आप लोगों को फ्री में। आप लोगों को अगर इस तरह से ट्रांजिशन इफेक्ट लगाने रहता है तो उसका मैं वीडियो पहले से बना दिया हूँ, उस वीडियो का लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे ट्रांजिशन इफेक्ट लगाते हैं काइन मास्टर में। चलिए क्लासिक में आने के बाद मैं क्लासिक का यहाँ पे सब इफेक्ट लाता हूँ, वो भी जूम वाला। तो यहाँ पे क्लासिक ट्रांजिशन इफेक्ट ओके, और यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा कर देना है इसका रेंज को कम। और यहाँ पे इतना हो जाने के बाद सबसे पहले आप लोगों को ज़रूरत होगा आप लोग का जो ट्रांजिशन इफेक्ट का, जो यहाँ पे आप लोग ट्रांसपेरेंट पीएनजी आप लोग पोस्टर लिए होंगे उसको आप लोग का यहाँ पे यूज होगा। तो यूज करने के लिए आप लोग को पिक्सल ऐप में आना है, और आने के बाद आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ये रहा, जो आप लोग को यहाँ पे जो मैं बोले थे कि आप लोग को ट्रांसपेरेंट करके इसको रखना है। तो ट्रांसपेरेंट करने के बाद आप लोग को यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखेगा, बिना बैकग्राउंड का दिखता है क्योंकि बैकग्राउंड वो हट जाता है। उसके बाद यहाँ पे डिब्बी पर क्लिक कर देना है लियाकर इसको, और क्लिक करने के बाद आप लोग को इसको फुल कर देना है। फुल करने के बाद आप लोग को शायद इस तरह से ये दिखेगा, और इसको लेंथ को थोड़ा आप लोग को जो दिख रहा है ये पोस्टर, इसको आप लोग को लाइन को लेंथ को बढ़ा लेना है इस तरह से, और बढ़ाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे इतना कर लेना है। और उसके बाद इसी में आपका गाना को लगाने के लिए यहाँ पे लेयर पे जाना है, इस लेयर पर क्लिक करके, और आप लोग यहाँ पर गाना को अपने सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे गाना को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ।
तो गाइज वीडियो अगर आप लोग को पसंद आता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए। आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं तो आप लोग ज़रूर वीडियो को पूरा देखें और स्टेप बाय स्टेप सीखें। तो आप लोग इस तरह से लगा सकते हैं अपने गाने को। चलिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ या रिम, आपको प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है इस तरह से ले आकर, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और आप लोग को इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को प्लस पे क्लिक करना है और इसको मैं लेंथ को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पर इसको करता हूँ ऑन और ऑफ। देख सकते हैं यहाँ पर मेरा फाइनली हो चुका है और आप लोग यहाँ पर चला कर इसको देख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर चला कर आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं फाइनली मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे आप लोग पूरा देख ले और कैसे इसको मैं आप यहाँ सब एडजस्ट किया हूँ उसी तरह से आप लोगों को इसको भी एडजस्ट करना है। और अगर आप लोगों को किसी प्रकार के दिक्कत आता है इस तरह से बनाने में तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना, मैं आप लोग को बताने की कोशिश करूँगा। तो गाइज यहाँ पे कंप्लीट मेरा बन चुका है। उसके बाद आप लोगों को सेव करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, आप लोग को इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। आप लोग क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। आप लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट पर क्लिक करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट करने के बाद आप लोगों को इस तरह से देखेगा जो मैं आप लोगों को दिखाया। तो चलिए मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट पर क्लिक कर यहाँ पे दिखा सकते हैं। इस तरह से आप लोग का एक कम्प्लीट तैयार हो जाएगा। तो गाइस आप लोग इस तरह से अपने मोबाइल फ़ोन से अपना पोस्टर खुद का बना सकते हैं, नहीं तो अपने दोस्तों का बनाना है तो बना सकते हैं। तो सो आई होप आप लोग को ज़रूर वीडियो पसंद आए। तो जाइए गाइस वीडियो को ज़रूर आप लोग लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ अपना शेयर करिए कि अगर वो भी उनको इस तरह से पोस्टर या बैनर बनाना सीखना है तो वो भी आराम से सीख पाएँ घर बैठे। तो चलिए आज के इतना ही, तब तक के लिए एक शांति, सनगॉड नमस्ते।